Yeah. वेलकम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? आप सुन सकते मेरे हाथ जोड़ के, मेरे हाथ जोड़ के, तो भाई लोग कैसे हो? तो भाई, जिस वॉर का आप सभी लोगों को इंतजार था, फाइनली वो वॉर लेके आ चुका हूँ। मेरे को भाई लिटरली भाई 4 से 5 बंदों के DM आ चुके थे कि भाई रोमांटिक वर्सेस ओबेलिस्क वाली के वॉर का रिकैप डालो। एंड भाई लिटरली मैं भी कन्फ्यूज था, क्योंकि यार एक तो कॉलेज जाना, फिर उसके बाद घर पर आ करके सारी चीज़ें हैंडल करना, लिटरली भाई थक जाती है भाई बॉडी। बट चलो कोई बात नहीं, स्टिल हम लोग आ चुके भाई आप लोगों के लिए वीडियो लेके। अब हम लोग काम करते हैं भाई। आप लोग यहाँ पे स्टोर तो देख ही सकते हो, 49-46 उन लोगों के 2-1 स्टार्स हुए थे, जिसकी वजह से उन लोगों के स्टार्स से पीछे थे। अब बात करते हैं भाई हम लोग अटैक्स की सीधा। तो यहाँ पे पहला अटैक जो था भाई उसके ऊपर, मतलब मैदी ने मारता भाई लैपटॉप के ऊपर। सो यहाँ पे देखोगे तो किसी को वाइप सिंपल है, मतलब सिंपल किसी को वाइप था। बट यहाँ पे जो इनके बेस थे ना भाई, लिटरली भाई वो अच्छे अच्छे थे, क्योंकि आप देखोगे तो TH एकदम मिड में रखा गया है। एंड मिड में रखने के बाद में CC और हीरोज को एक तरफ रख दिया गया, मतलब आप हीरोज और CC की तरफ से जाओगे तो फंसोगे, एंड TH की तरफ से जाओगे तो भाई हीरोज और CC नहीं मिलेंगे। मतलब CC एक बार को मिल जाएगी, पर हीरोज नहीं मिलेंगे। सो भाई बहुत ज़्यादा प्लानिंग में दिक्कत होती थी, बट स्टिल ट्रिपल निकल गया भाई। बहुत ज़्यादा हार्ड वॉर थी, सुरम और लोगों ने 3 बार 3 मार दिए थे मेरे भाई, सोच सकते हो आप। और यहाँ पे देखो फनल वनल क्रिएट कर दिया गया था ताकि CC को लूर कर लिया जाए बिना किसी दिक्कत के साथ, ठीक है। एंड यहाँ से देखो तो एक ब्लैक मैन लग जाती है, क्योंकि वो बलून नहीं डालता। एंड बलून डालना चाहिए था भाई, बलून ना डालने की वजह से एक ही लड़ भाई यहीं पे ख़त्म हो जाती है। एंड स्टिल अभी देखो क्यों चल रही है, देखो एकदम ही उसको लूर कर लिया CC को। CC में जो है 2 वैल्क्रीज, 1 बेबी ड्रैगन और 1 विज़र्ड था, जिसमें से वैल्क्रीज सीधा आ जाती है क्वीन के पास में। एंड बेबी ड्रैगन एंड विज़र्ड जो है भाई धीरे धीरे आते हैं। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो मेरे भाई QC एकदम डिसेंट जा रही है। बेबी ड्रैगन जो है अपनी क्वीन के पास में आ चुका, और विज़र्ड जो है भाई बाहर जा रहा है, ठीक है। और बाहर वाले विज़र्ड के लिए मेरा तुरंत ही अपने विज़र्ड को ड्रॉप आउट कर दो, ताकि वो हल्का सा भी डैमेज ना कर पाए आपकी हीलर्स को। एंड यहाँ पे देखोगे तो एक गोलम डाल दिया, फिर पीछे से वॉल ब्रेकर देखना किस तरीके से डालेगा। देखो एकदम पीछे से वॉल ब्रेकर छोड़ रहा है, क्यों आग वहाँ पे देखोगे तो एक वॉल का ना हल्का सा गैप रखा गया है, गैप नहीं बोलेंगे उसे, एक वॉल को ऊपर कर दिया गया, ठीक है। सो उसके लिए एकदम पीछे से वॉल ब्रेकर डाल दो। एंड आप देखोगे तो एकदम प्रॉपर वॉल के ब्रेकिंग हुई है, ताकि मेरे भाई क्वीन भी स्टिल इस कंपार्टमेंट में नार्फ के एंड दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करे, ठीक है। आप देखोगे तो मेरा यहाँ से क्वीन जो है अपनी आ चुकी है ईजिली बाहर, मतलब इधर की साइड में आ चुकी है बाहर जाने की जगह, ठीक है ना। उस तरफ गई ना इस तरफ, एकदम जिस जगह पे लेके आते वहीं आई है। यहाँ से देखो तो हीलर्स अभी तक शिफ्ट नहीं होती है पैकास पे, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट कोई बात नहीं, इतनी भाई चीज़ों को हैंडल कर लेता बंदा। एक ब्लैक मैन होती है भाई, वो मार देती है अपने बलून को, क्योंकि बलून भाई आता पीछे से। एंड यहाँ से देखो तो मेरे हीलर्स अभी तक शिफ्ट नहीं होती है, ठीक है। हीलर शिफ्ट ना होने की वजह से ना ये क्वीन की एबिलिटी कर देगा पॉप अप। एंड देखो जैसे क्वीन की एबिलिटी पॉप कर दी, हीलर्स जो है पैकअप पे तुरंत ही शिफ्ट होगा, ठीक है। एंड ये बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि मेरे भाई आगे देखो तो क्वीन बची पड़ी है, एंड क्वीन एंड किंग दोनों बचे पड़े हैं। अब यहाँ से देखो हॉगिंग स्टार्ट हो जाती है, एक दो करके हॉग राइडर्स आ जाते हैं, क्योंकि डिफेंसेस वहाँ पे बिजी होते हैं। तो जैसे डिफेंसेस बिजी होते हैं भाई, यहाँ से हॉग राइडर्स आ जाते हैं। अब देखोगे तो एक तरफ से बस खाली ये कुछ डिफेंसेस बचे होते हैं, एंड एक तरफ से ना किंग चल रहा होता है, जो कि मेरा पूरा टैंक देता बाहर से पूरे के पूरे डिफेंसेस को। एंड बस खाली कोर में किंग बचा पड़ता है, जिसके लिए अपना गोला मेरे भाई टैंक करते हैं। एंड पीछे से कुछ हॉग बचे होते हैं, 1-2 हॉग राइडर्स जो कि लास्ट में फाइनल डिफेंसेस पे आ जाते हैं भाई। सारे सारे डिफेंसेस को कर देंगे यहाँ से डाउन। 3 वॉल ब्रेकर्स, किंग एबिलिटी एंड 1 मिनियंस बचे पड़े थे मेरे भाई। स्टिल ये वाला बेस ट्रिपल हो जाता अगर इन सब चीज़ों को यूज़ ना करते जब भी। बट कोई बात नहीं, सब चीज़ों को यूज़ कर लेगा, क्योंकि भाई टाइम बचाना था यार, क्योंकि टाइम को बहुत ज़्यादा इशू था, टाइम बचाने के लिए कर दिया गया। सो पहला ट्रिपल भाई यहाँ पे मेहदी ने निकाल दिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो दूसरा अटैक था भाई फेड का। फेड भाई यहाँ पे कर लेते अगेन QC वाइप, क्योंकि देखो फेड को भी क्वीन चार लालो एंड QC वाइप, ये 2 अटैक्स यहाँ पे मेनली होते हैं। तो यहाँ पे फेड ने भी करा था QC को वाइप सिंपल। देखो तो यहाँ पे जो 3 पैकास के साथ में बंदा करा, मतलब यहाँ पे देखो विजिट्स को उसने बिल्कुल कम कर दिया है, एंड जो क्लीनअप ट्रिप्स होते थोड़े बहुत उन सबको भी कम कर दिया है। 4 ही हॉक्स लेके आया, ठीक है। सो यहाँ पे 3 पैकास 4 हीलर्स वाला जो ये QC को वाइप कर रहा है, जो कि भाई पैक मतलब पैक कैप के अंदर ये वाले वर्क नहीं करते, बट आप CML रूल्स में से कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, आप देखोगे तो क्वीन को मेरे भाई 9 o'clock के साइड से लेकर के 6 o'clock तक पे लेके आना है, फिर वहाँ से आपको अपना गो वाइप स्टार्ट करना है अपने हीलर्स को शिफ्ट कराते हुए। बिल्कुल इजी फंडा क्वीन चार्ज गो वाइप, हर एक बंदा कर सकता है मेरे भाई। और बस खाली हल्के से सीखने की बात है इसके अंदर, कि आपको अपने क्वीन चार्ज कैसे निकाल लिया, गो वाइप को कैसे लेके जाना है, ठीक है। देखो 2 तरीके से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट जो गो वाइप कर दो, एंड एक होता है जिसपे हीलर शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे जो है हीलर शिफ्ट वाला चल रहा है। देखोगे तो गोलम डाल दिया, गोलम के साथ भाई उस कैनन को डाउन कर लिया जो बाहर की तरफ पे थी। विज़र्ड डाल दिया फनल के लिए, यहाँ से 1 वॉल ब्रेकर टेस्टिंग, अगेन मेरे भाई वॉल ब्रेकर्स आएंगे। एंड जैसे वॉल लेयर मतलब वॉल की लेयर ब्रेक होगी,
यहाँ पर आ जाएंगे अपने पैकाज। पैका के आने के मेरे भाई बाद यहाँ पे किंग को भी डेवलपमेंट हो जाता है एंड उसके पीछे से एक विजर्ड एनिक आ जाता है मेरे भाई अपना बलून, ताकि वो बलून आगे के लिए भाई कोई भी माइन रहेगी तो वहाँ पर ट्रिगर्ड हो जाएगी, ठीक है, ब्लैक माइन। तो यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा अभी तक यहाँ पर अटैक जा रहा होता है। एक जो डेट जो होती है वो अपने यहाँ पे पैकास पे यूज़ जाती है, क्योंकि आगे जो है क्वीन थी एंड क्वीन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना था एंड सीसी के अंदर का लावा हॉन्ड जो है वो बाहर आ गया था। इनके भाई बहुत सारे सीसीस में ना लावा हॉन्ड ही मिल लेते हैं, बहुत सारे सीसी में, और जो मेरा अटैक था मेरे भाई उसमें मेरे को लावा हॉन्ड ही मिला। मतलब लावा हॉन्ड भर के रख रखे थे कि भाई लावा हॉन्ड भर के रखो, जो कि मेरा हमें एक तरफ एडवांटेज भी दे रहे थे और एक तरफ भाई थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी हो रहा था टाइम्स का, क्योंकि मेरे भाई 99-98 ऐसे भाई दोनों तरफ से हिट्स हुए थे टाइम फेल वाले। बट आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे भाई कितना ही प्यारा अटैक जा रहा था, हीलर्स जो अभी तक बचे पड़े थे, सीसी के कुछ लावा पॉप्स थे भाई वो ही बचे पड़े थे, बट मेरे भाई जब तक हीलर्स अलाइव थे ना तो मेरे भाई आगे के डिफेंसेस कुछ कर नहीं पाते अपने आर्मी का। यहाँ से देखो तो पैका के एक एक हिट में सारे सारे डिफेंसेस खत्म हो रहे हैं एंड यहाँ से देखो तो बस खाली बचे पड़े दो डिफेंसेस जो कि हैं एक मोटर और एक अपना भाई बॉम्ब टावर। उसके लिए मेरे भाई अपना है एक हॉग राइडर जो कि एक बॉम्ब टावर को इजीली डील कर लेगा एंड किंग की मेरे भाई यहाँ पे एबिलिटी यूज़ हो जाती है एंड क्वीन की एबिलिटी बची होती है एंड क्वीन की एबिलिटी कहाँ से कर देगा भाई पॉप अप एंड बेस कहाँ से बचेगा मेरे भाई, इतनी आर्मी बची पड़ी तो बेस कहाँ से बचता। सो मेरे भाई अगेन यहाँ पे फेड भाई ने ट्रिपल मार दिया एंड मेरे भाई किसी ना किसी तरह हम लोगों ने अगेन लीड लेना स्टार्ट करी इन लोगों से, क्योंकि शुरू में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बट बात होती है भाई बाजीगर, हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं, वही सेम यहाँ पे मेरे भाई दोहरा दिया गया है। सो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊं तो नेक्स्ट हट जो था ये था भाई अब्दुल्ला का, अब्दुल्ला ने यहाँ पे करा था भाई क्यूसी लालो एंड मेरे भाई इस क्यूसी लालो का प्लान देखना भाई, रिस्क पूरे पूरे अटैक्स में चल रहा था यहाँ पे, रिस्क लो पर मेरे भाई ट्रिपल मारो, क्योंकि इतनी ज़्यादा लीड थी ना कि उस लीड को मेरे भाई कन्वर्ट करना था भाई हम लोगों को किसी न किसी तरह से, ताकि भाई इनके भी फेल हो एंड हम लोग यहाँ से इधर से भी ट्रिपल पे ट्रिपल निकाल पाए। यहाँ से देखोगे तो मेरे सबसे पहले क्वीन ड्रॉप आउट कर दी 12 क्लॉक की साइड से, वहाँ से फनल करते हुए 12 क्लॉक वाला जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे क्वीन को डालेगा एंड जो अपना 3 क्लॉक वाला कंपार्टमेंट है उसमें जो अपने किंग को डालेगा एंड किंग से देखो तो वहाँ से एक एडी मिल जाएगा, ठीक है। उस एडी को लेने के बाद आपके पास एक सेट जो है ना पाथ बन जाएगा कि आप अपने लालों को वहाँ से मूव कर पाओगे, ठीक है। एंड गाइस उसी के बाद में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक जंप स्पेल भी लेके आए, तो जंप स्पेल के साथ में जो है एस वाला जो पूरा कंपार्टमेंट है ना वहाँ पर अपने क्वीन को डालना चाहेंगे एंड वहाँ से मेरे भाई आगे जो एडी है उसको भी लेना चाहते हैं, मतलब तीन तीन एडी अपने क्वीन से डाउन करना चाहते हैं। तो आप देखते भाई भाई इनका प्लान कैसा जो है यहाँ पर वर्क करता है। यहाँ से देखो तो मेरे भाई दोनों के दोनों कंपार्टमेंट पूरे पूरे खाली हो चुके हैं, किंग वाला कंपार्टमेंट भी एंड क्वीन वाला कंपार्टमेंट भी, जितनी वैल्यू चाहिए थी भाई अपने किंग एंड क्वीन से भी वो मतलब किंग से तो आ चुकी, क्वीन से ही वैल्यू बची पड़ी, क्योंकि अभी यहाँ पे बची पड़ी एनिमी की क्वीन एंड सीसी, देखो दोनों के दोनों यहाँ पे बची पड़ी हैं। यहाँ पे देखो किंग आगे आ चुका था जिसकी वजह से लावा हंट पॉप हो चुका एंड यहाँ पे देखो तो मेरा जंप स्पेल इसने यूज़ कर लिया था, जो कि मेरा यहाँ पे एक रिस्क की बात थी, क्योंकि इतने टाइम में ना मतलब लावा को मारना पूरा का पूरा एंड वहाँ पे देखोगे तो एक स्टोरेज भी जिसके ऊपर क्वीन लगेगी लगेगी जंप पे जाने से पहले, तो यहाँ पे जंप का जो है रिस्क था हम पे कि मेरे भाई क्वीन जंप करेगी या फिर नहीं करेगी। इस वाले रिस्क को लेने की वजह से यहाँ पे बंदा देखो रेज का मतलब रेज स्पेल ना यहाँ पे यूज़ कर देता है। अब अब्दुल यहाँ से पता क्या सोचता है कि चलो किसी न किसी तरह तो मेरी क्वीन जो है भाई यहाँ से जंप कर जाएगी, बट मेरे भाई इसकी क्वीन का वो भी लक नहीं था एंड यहाँ पे आप लोग देखो तो जंप स्पेल लास्ट में फाइनल ख़त्म हो जाता। तो सो ऑफकोर्स मेरे भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यार देखो क्वीन की अब यहाँ पे एबिलिटी हमें यूज़ करनी पड़ जाएगी, क्योंकि देखो तो भाई जंप स्पेल पूरा पूरा स्वैग हो चुका था एंड यहाँ पर एक बात अच्छी थी कि मेरे सीसी में लावा होने तो यहाँ पे पॉइजन जो बच चुका था एंड पॉइजन को मेरे भाई ड्रॉप कर दिया एनिमी के क्वीन से, यहाँ से लालू स्टार्ट कर दिया टीएस की तरफ से लालू। यहाँ पे देखोगे तो दो टेस्ला जो है यहीं पे मिल चुके हैं एंड एडी जो है मेरे भाई एक एडी यहाँ पे और एक एडी जो है भाई दूसरा एक्सबो की तरफ पे, बट एयर स्वीपर जो मेरे भाई अपना दूसरी तरफ पे था जिससे कि भाई हमें ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होती नहीं एंड अपना क्लियर टू क्लियर एक रास्ता बन रहा था अपने बलून्स का एंड बलून्स इतने स्मूथली रन कर रहे थे कि उनको क्या ही बताऊँ मेरे भाई, इतना स्मूथली बलून्स का रन था यहाँ पे एंड देखोगे तो मेरे कितने सारे बलून्स बचे पड़े, लावा भी अभी बचा पड़ा जो कि लावा यहाँ पे पॉप हो जाएगा, बट कोई बात नहीं स्टिल इतने सारे बलून्स भाई लावा पॉप से जो कि यहाँ पे क्लीनअप का काम करते हैं एंड हर एक चीज़ को संभालते हैं। दो बलून्स अभी भाई बैकएंड पे बचे पड़े थे जो कि मेरे भाई अपने क्लीनअप में पूरा का पूरा यहाँ पर साथ देते एंड मेरे भाई क्वीन की एबिलिटी भी हमें जल्दी से यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जंप स्पेल जो थे यहाँ पर अपना स्वैग हो गया, बट स्टिल एक और ट्रिपल भाई यहाँ पर निकाल दिया अब्दुल्ला ने, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही थी कि भाई किसी ने किसी तरह ट्रिपल निकालो, पर चाहे रिस्क ले लो चाहे कुछ भी ले लो मेरे भाई, पर यहाँ पे ट्रिपल निकालने थे, बट भाई अब्दुल्ला ने बताया कि यार रिस्क लेंगे चिंता करो स्वैग के साथ में मारेंगे, स्वैग के साथ बंदे ने ट्रिपल मार दिया। चलो भाई बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट हट की, तो नेक्स्ट था भाई अपने किंग सैद का, यहाँ पे सैद भाई आए थे लाइफ मतलब लाइफ के अटैक करने आए थे सैद भाई, यहाँ पे कर रहे थे भाई पैका चार्ज, ठीक है पैका चार्ज जिसमें होता है पैका चार्ज के बाद में अपना हॉक्स
सेम वैसे था। यहाँ पर देखो तो सिंपल एक पैकेट डाल दिया, विजिट डाल दिया, उसके पीछे से हीलर्स, फिर साथ में एक और पैकेट डाल दिया। एंड यहाँ पर देखो तो दूसरी तरफ से बंदा फनल ही क्रिएट नहीं करता। फिर यहाँ पर देखो तो लास्ट में थर्ड पैकेट भी ड्रॉप आउट कर देता है। एंड अब फनल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक डालते हैं वॉल ब्रेकर, जो कि मेरा यहाँ पर मर जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मेरे भाई एक और वॉल ब्रेकर करते ताकि वो जो लेयर है वो ब्रेक हो जाए। एंड फाइनली वो लेयर जो है ब्रेक हो जाती है। यहाँ से देखोगे तो क्वीन जो है बाहर की तरफ पे ना मूव करना स्टार्ट कर जाती है, बट यहाँ पे जैसे सीसी यहाँ पे इनसाइड मूव होती है सो यहाँ पे क्वीन को दिख जाता है कि मेरे सीसी मारनी है। क्वीन यहाँ से अगेन अंदर की तरफ पे आ जाएगी। आप देखो तो मेरा कितना ज़्यादा डीपेस हो रहा था, बट कोई बात नहीं भाई, अभी हीलर्स बचे पड़ते हैं, हीलर्स को कर देता है बंदे यहाँ पे रेज। एंड जैसे यहाँ पे करता है हीलर्स को रेज, मेरे भाई यहाँ पे हीलर्स जो है पैका की पूरी एचपी अगेन करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देखो तो किंग को जो एक कंपार्टमेंट डाल जाता है, जो कि है एक्सबो वाला कंपार्टमेंट 12 o'clock के साइड वाला, क्योंकि वहाँ से मेरे भाई उस एक्सबो को डाउन करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ से अगर वो एक्सबो डाउन हो जाता ना तो पूरी पूरी वैल्यू उस वाले कंपार्टमेंट की वहीं पर हमें मिल जाती। यहाँ से आप देखोगे तो क्वीन ने वाला सेक्शन पूरा पूरा खाली कर लिया और ऊपर से हॉग राइडर्स अपने आ रहे हैं, दो दो तीन तीन करके हॉग राइडर्स। यहाँ पर देखो तो जैसे पाका आगे की तरफ पे आएंगे तो आरजे टावर और विजेट टावर जो है दोनों दोनों बिजी रहेंगे। एंड यहाँ पे देखो दो दो तीन तीन करके हॉग राइडर्स का जो है डेवलपमेंट कर दिया गया है। यहाँ पे देखो तो स्प्रिंग ट्रैप रखे गए थे ताकि हॉग राइडर्स वहाँ से उड़ जाए, बट हॉग राइडर्स अपने उड़े नहीं। और मेरे आगे देखो दो दो जायंट, मतलब जायंट बम और छोटे बम दोनों के दोनों यहीं पर रखे पड़ते। एक और हॉग राइडर डालते पर वो हॉग राइडर मेरे भाई यहाँ पे स्प्रिंग ट्रैप के अंदर आके उछल जाता है। यहाँ पे देखो तो एक हील स्पेल बची पड़ी है अभी तक। एंड टेस्ला फार्म जो था, मतलब दो टेस्ला आते हैं वहाँ पे, उधर मेरे भाई डाल देता है एक अपना, मतलब साइड साइड हॉग राइडर्स। अभी भी देखोगे तो एक पैकर के ऊपर साइड साइड वहाँ के डिफेंसेस जो लॉक थे एंड उस पैकर के ऊपर अपनी हीलर लॉक थी। एंड हीलर लॉक थी तो हील स्पेल की तो नीड ही नहीं है हमें, हम तो बिना हीलर भाई हम तो यार हॉग्स हम ऐसे चलाते हैं मेरे भाई। इन बंदों को यही कहना है कि भाई हम हॉक्स ऐसे चलाते कि हमें हील स्पेल की जरूरत ही नहीं है। देखो विदाउट हील स्पेल हॉग राइडर्स इस्तेमाल कर लिए। एंड मेरे भाई हील स्पेल स्वैक के साथ में एक और ट्रिपल निकाल दिया मेरे भाई यहाँ पे साजिद भाई ने। एंड भाई साजिद भाई अपने लिटरली ओपी हैं, देख सकते हो मेरे भाई यहाँ पे साजिद ने यहाँ पे चलो एक और ट्रिपल निकाल दिया। साजिद का यहाँ पे एक ही अकाउंट था, शायद एक ही अकाउंट था साजिद का। साजिद अभी जो है CML से पहले अपने सुम क्लैन में आया था। सो यहाँ पे देखोगे तो मेरे भाई जो नेक्स्ट हट आता है वो आता है मेरे भाई अपना मेहदी का। ये भी मेहदी का ही अकाउंट है। आप सोच रहे हो कि मोहम्मद का नाम क्यों लिखा, क्योंकि है मजीद उसका, मतलब उन लोगों की वो है ना कंट्री ऐसी कि वहाँ पर सबके आईडी में मोहम्मद होता ही है। सो ये भी अकाउंट उसका ही है मेहदी का। एंड मेहदी यहाँ पर कर रहा था अगेन किसी को वाइफ। भाई मेहदी ने यहाँ पर कल, मतलब उस वाले बॉल में तो पूरा पूरा कमाल कर दिया, क्या ही बताऊँ मेरा। बैक टू बैक ट्रिपल्स, बैक टू बैक ट्रिपल्स मेहदी ओपी भाई। यहाँ पर देखो तो एक जो है ब्लैकमैन यूज़ करता है, मतलब ब्लैकमैन के लिए लावा वो डालता है बलून। एंड वो बलून जो है ब्लैकमैन को डिटेक्ट कर लेता है, वहाँ पर बूम बम हो जाता है उस बलून का। यहाँ पर देखो तो क्वीन के भाई पीछे हीलर्स डालते हो, बंदा इतना लेट कर देता है कि यहाँ पर लगता है कि क्वीन की एबिलिटी चली जाएगी, बट किसी ने किस तरह क्वीन की यहाँ पर एबिलिटी बच जाएगी। यहाँ से जो है क्वीन के लिए भाई वॉल ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू थी ना मेरे भाई, वो पूरी की वैल्यू नहीं थी दो दो एक्सपो वाले पे, ठीक है। दो दो एक्सपो भाई वो वहीं से क्वीन से डाउन करने थे हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखोगे तो वहीं पर DPS है। एंड वहीं से DPS को कम करते हुए भाई आगे हम लोग अपने अटैक को रन करते हैं, ये पूरा पूरा प्लान था। यहाँ देखो तो सीसी में से ड्रैग बेबी निकलते हैं एंड उनसे डील करने के लिए अपने मेरे क्वीन को कर देते हैं रेज। एंड एनिमी की चीज़ पर डाल देते पॉइजन। यहाँ पर डालते हैं गोलम, पीछे से मेरा वॉल ब्रेकर डालते हैं टेस्टिंग के लिए। अगेन वॉल ब्रेकर आ जाएंगे, यहाँ से पैका आ जाएंगे, क्योंकि तो दोनों दोनों हीरोज़ को डाउन करना था। पीछे से मेरा विजिट का यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि यार विजिट जल्दी से जो है हेल्प करते हैं अपने हीरोज़ को, मतलब एनिमी के हीरोज़ को डाउन करने में। यहाँ देखो तो सारे सारे विजिट जो है क्लीन अप पे लग जाते हैं। यहाँ से पैका जो है मेरे भाई एनिमी क्वीन को करता है डाई। यहाँ से आप देखोगे तो फाइनल का जो रेस स्पेल वो भी यूज़ जाता है क्वीन के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर DPS जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था। यहाँ पर जंप स्पेल का यूज़ किया जाएगा पैकास एंड क्वीन दोनों के लिए। आप देखो तो बाहर की तरफ से किंग अपना मूव कर रहा था, उसके पीछे मेरे भाई एक हॉग डाल देता है एंड उसके पीछे से एक डाल देता है मेरे भाई विजर्ड, ताकि भाई वो दोनों के दोनों डिफेंसेज जो है वो डाउन हो जाए। अभी भी देखोगे तो तीन के तीन मिनियंस बचे पड़े, जो कि क्लीन अप का काम करने आ गया है पूरा। यहाँ से देखो तो हीलर्स अभी तक बचे पड़े, पैकास स्टिल अलाइव है एंड उसके पीछे से मेरे भाई विजर्ड्स जो कि अभी तक बचे पड़े हैं। एंड लिटरली भाई गोवा पे ना विजर्ड्स मेरे भाई बचना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि यार विजर्ड जो आगे मूव जो मतलब आगे घूम जाते हैं गोलम से पहले या फिर हीरोज से पहले, वो ना आगे हो जाते हैं। सो जल्दी से वो बचते नहीं, बट यहाँ पे मेरा किसी तरह बच गए। एंड भाई वो बचे पड़े तो यहाँ से बेस तो बचने का नहीं है, बस खाली टेस्ला फार्म बचा पड़ा था। एंड टेस्ला फार्म मेरे भाई इस टाइम पर कुछ नहीं रखता, क्योंकि आपके दोनों के दोनों पैकेज लाइव है, क्योंकि आप एबिलिटी है एंड उनके ऊपर हीलर लॉक है। सो कहाँ से मेरे भाई कहाँ से कुछ बचने वाला था। इस अटैक को करते मेरा फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि इस अटैक में ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, बस खाली क्लीन अप के नाम पे चीज़ें बची पड़ी थी। एंड अपने भाई विजिट एन मिलने को सबको यहाँ पे यूज़ करके वाला बेस को ट्रिपल मार देता है विद क्वीन एबिलिटी स्वैग। यहाँ पे देखो अगेन एक स्वैग मिलता है क्वीन एबिलिटी का। एंड मेरे भाई ऐसी बात नहीं, उन लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छे हिट्स थे, बट हम लोग अभी भाई अब मतलब वो नहीं दिखा रहे,
अभी हम लोग यहाँ पे अपनी अटैक्स दिखा रहे हैं क्योंकि भाई नौ अटैक्स वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। हम लोग यहाँ पे चलो स्टार्ट करते भाई। ये गेम मेहदी ने मारा था और इस वाले बेस पे मेरा प्लान था कि भाई ऐसे ऐसे प्लान करना है, बस ने कहा नहीं मेरे को करना भाई। एंड भाई चलो मैंने कहा चल तू ही कर ले। यहाँ पे देखोगे तो मेरा एक बहुत ही अमेजिंग प्लान के साथ में भाई ये वाला बेस जो है ट्रिपल निकलता है। एंड यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले अपनी क्वीन का डिप्लॉयमेंट हो जाता है। क्वीन से मेरे भाई सिंपली वो नीचे के जितने भी वो है ना बिल्डिंग्स उन सबको डाउन करते हुए एनिमी क्वीन एंड एक्सपो के ऊपर लेके जाना था अपनी क्वीन को, बस वहाँ तक क्वीन को लेके जाना है। एंड उसके बाद आप देखना मेरा क्या ही कमाल होता है, वहाँ से क्या ही अमेजिंग वैल्यू मिलती है। यहाँ पे देखो तो मेरे वॉलपेपर जो पहला फेल होता है उसके बाद अगेन वॉलपेपर डालते हैं क्वीन को। यहाँ पे मतलब रेज किया जाता है क्योंकि भाई वॉलपेपर फेल नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर यहीं से वॉलपेपर फेल होगा तो आगे का प्लान जो पूरा पूरा ख़राब हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से मेरे भाई अटैक को देखोगे सो जो एक्सबो है मेरा भाई वो मिल जाएगा। अगेन मेरे भाई एक वॉलपेपर डालता है ताकि भाई वॉलपेपर से पूरी पूरी चीज़ों की टेस्टिंग हो जाए। एंड वॉलपेपर डालने के बाद सब चीज़ें हो जाती क्लियर। एंड यहाँ पे मेरे भाई वॉलपेपर आ जाते हैं, उसके बाद सीसी पे वहीं से ल्यूर हो जाती है। सो सीसी के ऊपर पॉइजन डाल दिया जाता है। यहाँ से देखोगे तो एक किंग मतलब एक ही किंग और एक विजिट का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होता है ताकि वो साइड के जितने भी वो है ना बिल्डिंग्स उन सबको क्लियर कर देते ताकि अपनी क्वीन जो है मेरा इधर की तरफ पे बिल्कुल मूव ना करें। एंड वहाँ से देखोगे तो मेरे भाई वो लकीली होता है फिर मेरे भाई क्या ही बोलूँ, वहाँ पे जो हमें टेस्ला फार्म भी मिल जाता है अपने किंग से ही कि वहाँ पर टेस्ला फार्म मिल गया। एंड वहाँ से देखो किंग अभी तक एबिलिटी में बचा पड़ा है एंड किंग मेरे भाई वहाँ से सब चीज़ डाउन कर लेगा। अभी देखोगे तो एक रेस पहले एक हेस्ट और एक स्केली बचा पड़ा है। एंड क्वीन से मेरे भाई कितनी ओपी वैल्यू निकाल ली, एनिमी की सीसी, एनिमी की क्वीन एंड वहाँ से एक एक्सपो एंड कुछ और सारे डिफेंसेस। एंड अब यहाँ से देखोगे मेरे भाई दो दो एडी अपना किंग मिल जाएगा। एंड यहाँ से देखो तो एक्सबो को भी लॉक करके रख लेगी, तो और क्या चाहिए मेरे भाई। अपना लालो स्टार्ट हो जाता है, पहले लावा हॉन्ट फिर बलून्स, लावा हॉन्ट फिर बलून्स, ऐसे करके अपने बलून्स का डिप्लॉयमेंट। एंड यहाँ पे देखो तो आप स्पेल्स कितने सारे बचे पड़े हैं, एक लावा हॉन्ट हो जाता है ब्रेक, बट कोई बात नहीं, स्टिल देखो कितने सारे बलून्स बचे पड़े हैं, 10-12 बलून्स भाई पीछे की तरफ पे अपने घूम रहे हैं। पीछे से डाल दो मेरे क्लीन अप ट्रूप्स। एंड यहाँ पे देखो तो एक लावा हॉन्ट भी बचा पड़ा जो कि आगे टैंक करता थोड़ा बहुत। एंड देखो यहाँ पे स्केल इसलिए यूज़ किया जाता है कि भाई थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। एंड एक बलून डालते हैं मेरे भाई विजिट टावर के ऊपर क्योंकि विजिट टावर ना एक ही बलून में भी मर जाता है, सो इसलिए एक बलून डालता है भाई। वहाँ से थोड़ी सी उसकी एचपी जो लो हो जाती है। यहाँ पे एक रेस्पेल का डिप्लॉयमेंट हो जाता है। यहाँ पे हेस्ट भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे बंदे में खुजली होती है स्वैग करने की। पर मेरे भाई लिटरली बताऊँ मैं यहाँ पे स्वैग के मोड में बिल्कुल नहीं था, मेरे को लगा कि मेरे भाई कहीं फेल ना हो जाए क्योंकि बलून देखोगे तो बहुत लो एचपी बचे थे। एंड बट किसी तरह लकीली मेरा भाई ये वाला बेस भी ट्रिपल निकलता और यहाँ पे भाई भाई स्वैग देखने के लिए मिलता है हमें एक स्केलेट मतलब एक हेस्ट स्पेल का स्वैग के साथ भाई मेहदी यहाँ पे भी ट्रिपल मार देता है। बट ऐसे टाइम में मेरा आप हेस्ट को यूज़ कर लेना क्योंकि मेरे भाई सेम अलग बिना फालतू में गाली पड़ेगी तो अच्छा थोड़ी ना लगता। बट स्टिल इस बंदे ने बहुत ही अच्छा अपना स्कोर निकाल लिया था सो इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती एंड बहुत ही ईजिली यहाँ पर ट्रिपल निकाल लिया। नेक्स्ट हेड था मेरे भाई मेरा यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ बताऊँ ना तो ये आई बहुत ही ओपी प्लान दिया था फेड ने एंड उस प्लान के साथ में क्या ही ट्रिपल निकलता है। यहाँ पर सबसे पहले अपनी क्वीन के साथ में वॉकिंग करता हूँ मैं एंड क्वीन के साथ में बस खाली अपनी क्वीन को ऊपर एनिमी क्वीन एंड टीएस तक लेके जाता है ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे भाई अगेन मेरे को लकीली टेस्ला मिल जाते हैं यहीं पे जो कि किंग की तरफ भी होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत तो होती नहीं है। सबसे पहले किंग को डाउन करने के लिए एक रेस्पेल का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो जाता है एंड उसके मेरे भाई बाद में यहाँ पे देखो तो दो दो टेस्ला मेरे को यहीं पे मिल गया तो ज़्यादा दिक्कत तो यहाँ पे होने नहीं वाली है अपने टेस्ला के लिए क्योंकि दो टेस्ला निकल चुके हैं, आगे के टेस्ला तो वैसे मिल जाएंगे। मैं बाहर से भाई देखो विजिट्स का यूज़ करता हूँ क्योंकि भाई टाइम का बहुत ज़्यादा इशू मेरे को लग रहा था क्योंकि यार गोवा जो बीच में रुकने के चांसेस लग रहे थे क्योंकि देखो डबल एक्सपो है एंड उस वाले कंपार्टमेंट खाली मेरा गोवा रुक ना जाए इसलिए मैं अपने ट्रूप्स को थोड़ा जल्दी जल्दी डिप्लॉय कर रहा था ताकि टाइम फेल ना हो ठीक है। यहाँ देखो तो दोनों के दोनों विजिट जो है बाहर की तरफ पे फन एंड सब चीज़ों का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आगे की तरफ पे उड़ाते तो एक बलून कोकोलून क्योंकि भाई वहीं से अपनी क्वीन को हमें इनसाइड मूव कराना था सो वहाँ से कुछ मिलता नहीं है। यहाँ से अपना गोलम डालने के बाद भाई वॉल ब्रेकिंग करा देता हूँ, यहाँ से गोलम जो इनसाइड की तरफ पे मूव करता है। मैं अपने गोलम और पैकास के चक्कर में इतना बिजी आता कि मैं यहाँ पे अपनी क्वीन की एबिलिटी को पॉपअप कर देता हूँ एंड क्वीन की एबिलिटी पॉपअप करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखो तो गोवा जो अपना ईजिली मूव हो जाता है इनसाइड। एंड यहाँ पर मेरा फर्स्ट अपना आएगा जंप स्पेल और यहाँ पे देखो तो अगेन लावा हॉन्ट निकलता है सीसी में से जो कि ज़्यादा दिक्कत की बात करता है नहीं क्योंकि यहाँ पे देखो तो अपने विजिट बचे पड़े क्वीन बची पड़ी जो कि इजीली लावा हॉन्ट से डील कर लेंगे। यहाँ से देखो तो गोवाइप के लिए अपना गोलम आगे की तरफ पे जा रहा है, पैकस टीएच के ऊपर यहाँ पे लगे पड़े। पॉइजन स्पेल मैं लावा हॉन्ट पे यूज़ कर देता हूँ, एक रेस पल अभी बची पड़ी थी जो कि मेरे भाई मैं आगे डालते दोनों के दोनों टेस्लास के पास में ठीक है। यहाँ से देखो तो एक रेस पल और जल्दी डिप्लॉयमेंट एंड यहाँ पर मेरे भाई अपनी क्वीन को बस खड़े टेस्ला के ऊपर जल्दी से मूव कराना था। टेस्ला के ऊपर आता अपना जंप स्पेल, यहाँ से देखोगे तो पीछे से हॉगराइड्स आ जाते हैं हर एक डिफेंसेस पे एक एक दो दो करके हॉगराइड्स आ रहे हैं। आप देखो क्लीनअप के नाम पे कुछ ज़्यादा बचता नहीं, इस चक्कर में क्लीनअप एकदम ईजिली डालता हूँ मैं भाई। उसका हॉगराइड्स जो है ना वो एक्सबो को मारने वाले थे एंड मैं यहाँ से समझ जाता हूँ कि चलो भाई अगर एक्सबो यहाँ से डाउन हो गया ना
तो ये बेस मेरा भाई कहीं से कहीं तक नहीं बचने वाला। एंड मेरे भाई होता वही है, यहाँ से फाइनली एक्सबो डाउन हो जाता है, एंड एक्सबो डाउन होते मेरे भाई टेंशन हो जाती है ख़त्म, क्योंकि ये वाला बेस तो निकल चुका है ट्रिपल भाई। फाइनली लक बोलो कुछ भी बोलो, पर भाई निकल जाता है ट्रिपल। एंड भाई इस वाले ट्रिपल के साथ में हम लोग मेरे भाई काफ़ी अच्छी लीड में आ चुके होते हैं। एंड यहाँ भाई हम लोगों को लगता है कि चलो मेरे भाई कुछ चांस हो सकता है इन लोगों का यहाँ से हराने का, तो भाई थोड़ी सी दिल की धक धक होती है शांत, क्योंकि ये वाला बेस हो चुका है ट्रिपल। अब आओ मेरे भाई बात करते हैं नेक्स्ट हट की। भाई टोटल यहाँ से हमारी तरफ से 9 ट्रिपल्स निकले थे, 1 स्टार किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि 1 स्टार के लिए मैं सख्त मनाई थी कि 1 स्टार नहीं करना। एंड नेक्स्ट हट की हम लोग यहाँ से बात करते हैं। सो ये भाई कोई अरेबिक नाम में है, मेरे को पढ़ने में तो आ नहीं रहा, पता नहीं कौन था। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, देखते हैं यहाँ पे तक क्वाड को एक क्विज ही डालो। यहाँ पे देखो तो सबसे पहले मेरे भाई क्वीन का जो है डिप्लॉयमेंट हो चुका है 12 o'clock की तरफ पे। एंड 12 o'clock की तरफ से अपने क्वीन को इनसाइड मूव कराएंगे। ये जो टीएच वाला कंपार्टमेंट है ना मेरे भाई, वहीं पे बस खाली अपने क्वीन को लेकर के जाना है, ठीक है। प्लान देखना मेरे, प्लान और एग्जीक्यूशन क्या ही बंदा यहाँ पे करता है, बहुत ही अमेजिंग हिट होता है मेरे भाई यहाँ पे इसका। सबसे पहले अपने क्वीन से जो वैल्यू लेनी थी उसे भाई थोड़ा सा फनल वनल क्रिएट करते, वैल्यू लेनी है। एंड उसके बाद अपने ई क्यू का डिप्लॉयमेंट कर देना है। यहाँ से देखोगे तो आप जो क्वीन जो आप इनसाइड की तरफ मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे वॉल ब्रेक हो चुकी है। तो एंड वॉल ब्रेक यहाँ पे होने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे कोकून बना जाता है, यहाँ पे देखो तो जो यारी लेयर है ना उसको ब्रेक नहीं किया गया है। मेरे को लग रहा था कि यारी लेयर को ब्रेक करेंगे, बट करते नहीं है। यहाँ पे देखो तो जो है बलून से भाई सीसी आ जाएगी बाहर, यस ब्रो सीसी देखो बाहर आ चुके। उसके यहाँ पे रेस स्पेल डाल दिया गया है एनिमी की सीसी के लिए, मेरे भाई यहाँ पर डाल दिया गया पॉइजन स्पेल, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइजन स्पेल नहीं डालेंगे तो भाई क्वीन की एबिलिटी यहाँ से जा सकती है। यहाँ से भाई डेवलप हो जाता है किंग का। एंड यहाँ पे देखो तो फनल वहीं पे क्रिएट कर दिया था आर्चर्स, क्योंकि हम लोगों ने मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना मेरे भाई, एंड भाई यहाँ पे देखोगे तो क्वीन भाई हल्की सी मतलब रेज के वार में रह गई, एंड क्वीन की एबिलिटी यहाँ से चली जाएगी। ओ भाई 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 लास्ट में क्वीन की एबिलिटी बच गई भाई, क्या लगता है भाई इसका क्या लक है। यहाँ से देखो तो मेरे किंग भी जो इनसाइड मूव कर चुका है, एंड किंग ने वाला एडी डाउन कर लिया। एक्सबो की हेल्थ मेरे भाई आधी हो चुकी है अभी स्टिल। एंड यहाँ पे देखो तो एक रेस पर अभी भी बचा पड़ा है। एंड यहाँ पे भाई 40% तक की वैल्यू जो इजीली निकाल ली है। एंड भाई आधे से ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू जो है मतलब आधे से ज़्यादा डैमेज कर दिया एक्सबो को ही अपने विजिट्स ने और उन सब चीज़ों ने। यहाँ देखो तो लाल पोशन अपना ईजिली मूव होना स्टार्ट हो चुका है, एंड 2 ब्लैक मैन शुरू में ही लग चुके हैं अपने लावा हॉन्ट्स पे। यहाँ पे देखो तो टेस्ला फार्म निकल लाए हैं, 2 टेस्लास अभी तक निकल चुके हैं। एंड 50% होते हैं यहाँ पे साइड साइड टेस्ला जो आ जाते हैं। एंड यहाँ पे देखो साइड साइड टेस्ला निकल चुके हैं, एंड टेस्ला फार्म मिल चुका है यहाँ पे क्वीन की तरफ में। एक रेस्पेल जो बची थी बस उसको यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाता है, क्योंकि रेस्पेल से जल्दी से साइड साइड चीज़ों को डाउन करता है। क्वीन की एबिलिटी यहाँ से पॉपअप हो जाती है, एंड क्वीन की एबिलिटी पॉपअप होने के बाद क्वीन जो बाहर की तरफ मूव हो जाती है। अगर वो इनसाइड रहती है तो वहाँ पे एक्सबो और विजिट आवर दोनों को डाउन कर लेती, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे इतने सारे बलून्स बचे पड़े थे मेरे भाई, क्वीन बची पड़ी थी, एंड क्वीन के पीछे हिलर्स लगे पड़े थे भाई, बेस कहाँ से बचने वाला था। करीबन 4 से लेकर 5 बलून तक अभी बचे पड़े हैं। पीछे की तरफ पर सारा सारा क्लीनअप लगा पड़ा है, एंड भाई क्लीनअप लगा पड़ा तो कहाँ से मेरे भाई ये बेस को बचने के चांसेस लग रहे हैं। 3-4 बलून्स बचे पड़े अपने क्लीनअप ट्रूप्स बचे पड़े लावा हॉन्ट, एंड यहाँ पे अपनी क्वीन बची पड़ी थी। क्या ही अमेजिंग लालो मोशन था, लालो पोशन आप लोगों ने देखा हो तो कितना स्मूथली रन हुआ। 2 ब्लैक मैन शुरू में लग गए थे, बट कोई बात नहीं, आराम आराम से बलून्स का डिप्लॉयमेंट रेस पेल प्रॉपर डाली, जिसकी वजह से मेरा ये वाला बेस जो है ट्रिपल मार दिया। यहाँ तक मेरे भाई अब हम लोगों की टेंशन हो चुकी थी ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे बचा पड़ा है अपना फाइनल हिट। एंड फाइनल हिट मेरा यहाँ पे निकाल दिया था मेहदी, नहीं हर ऑन भी भाई उसी का अकाउंट है। क्या बताऊँ यार मैं लिटरली, मतलब ये बंदे ने भाई अनस्टॉपेबल टाइप लगा पड़ा था ये मेरे भाई। इस वाली वॉर में तो रुका ही नहीं, इस वाली वॉर में इसका शायद 4x5 ऐसे कुछ स्कोर किया था। एंड भाई लिटरली इस बंदे ने भाई इस वाली वॉर में तो क्या ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाया, देख के भाई मज़ा आ गया। अब चलो इस वाले अटैक की हम लोग बात करते हैं, तो अगेन क्यूसी लालो था। एंड इस वाले क्यूसी लालो के अंदर एक जो हील स्पेल का यूज़ होता है, यहाँ पे देखो तो मेरा टीएच जो है बिल्कुल अपोजिट साइड पे, एंड टीएच का फुल टू फुल रिस्क लेके बंदा अटैक कर रहा है। यहाँ पे रेस्पेल का डेवलपमेंट एक आएगा वॉल का टेस्टिंग, एंड मेरे पास सीसी को कर दिया जाएगा यहाँ पे पॉइजन। 2 वैल्क्रीज, 1 बेबी ड्रैगन और 1 जो है विजिट बाहर आए थे सीसी में से, जिसको ईजिली 1 रेज एंड पॉइजन के साथ में डील हो जाएगी। एंड यहाँ से आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी एनिमी की क्वीन जो अंडर पॉइजन है, एंड अंडर पॉइजन क्वीन अगर है सो अपने क्वीन उससे ईजिली डील कर लेगी विदाउट मतलब बिना रेस पेल के साथ में। एंड भाई देखो तो 12 o'clock की तरफ पे थोड़ा सा फनल क्रिएट किया गया था अपने किंग को डालने के लिए, बट वहाँ पे जो 2 टेस्ला जो है ना वहीं पर पॉप हो जाते हैं। सो इसलिए भाई थोड़ा सा जो किंग को अब एलेक्सा स्टोरेज है ना वहाँ से डाला जाएगा, क्योंकि तो देखो तो वहाँ पर जो खाली स्पेस है। एंड वैसे मेरे भाई वॉल ब्रेकिंग कराई, एंड वॉल ब्रेकिंग सक्सेसफुली हो भी चुकी है। अगेन मेरे भाई क्वीन के लिए वॉल ब्रेकर्स डाले, बट वॉल ब्रेकर्स फेल हुए, अगेन वॉल ब्रेकर्स आ चुके हैं मेरे भाई। एंड यहाँ पे कर दिया रेज वॉल ब्रेकर्स को, एंड वॉल ब्रेकर्स ने अपना काम जो है ईजिली यहाँ पे कर लिया है। एंड यहाँ से देखो तो मेरी क्वीन जो अब लगी पड़ी है यहाँ से डिफेंसेस को निकालने में। किंग जो है मेरे भाई इधर की तरफ से पूरा अपना काम जो है निकाला, एक एयर स्वीपर यहाँ से डाउन हो चुका है,
जो कि ऐसे पर सबसे ज़्यादा दिक्कत करता लालू के लिए, क्योंकि लालू अपना वहीं से होने वाला था। एंड यहाँ से देखो तो मेरे भाई क्वीन अभी तक बची पड़ी है बिना किसी दिक्कत का, तो क्वीन पर डीपेस हो रहा है। यहाँ पे क्वीन के लिए भाई रेज बचा गया है, वो रेज भी डाल दिया यहाँ पे बिना किसी देरी के साथ में। यहाँ पे देखो तो मेरा किंग की एबिलिटी क्या ही काम करी है। देखो किंग की एबिलिटी ने कंपार्टमेंट में निकाल दिया, बाहर के दोनों टेस्लास भी निकाल दिए, देख रहे हो भाई बाहर के टेस्लास भी निकाल दिए। एंड अभी तक किंग मेरे भाई क्लीनअप का टाइप में ना काम देखो कर ही रहा था, बट वहाँ पे एक जैंट बम निकलता है जिसकी वजह से वो मर जाएगा। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो तो कितने सारे बलून्स को मेरे भाई यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया गया, ताकि मेरे भाई वो बलून्स जो है ना सिंपल एडी पे जा करके टिके रहे। एंड एडी को मेरे वहाँ पर डाउन करना उनका मेन मोटिव था, ताकि एडी से भाई आसपास जो है बलून्स अपने घूमे ना एंड वो आगे तरफ पे मूव करते रहे। यहाँ देखो तो एडी वाला जो है मतलब सेक्शन है वहाँ पे एक हिल स्पेल का डिप्लॉयमेंट होता है, एंड वो इस हिल स्पेल के अंदर सारे बलून्स अपने तीन चार बलून्स जितने भी होते हैं उन सबको मेरा हील रखा जाता है। एंड यहाँ पे देखोगे तुम्हारे सारे सारे बलून्स जो अब आगे एक्सबो एंड आरसे टावर को डैमेज करेंगे। क्वीन के पास एबिलिटी पूछी पड़ी थी, पीछे की तरफ से सारे सारे क्लियर प्रूफ्स लगे पड़े थे। एंड मेरे भाई अगेन ये वाला बेस ट्रिपल निकाल के अपने टीम को मेरे भाई यहाँ पे अपना पूरा एकदम 100% परफॉर्मेंस दिया मेहदी ने इस वाली वॉर के अंदर। एंड क्या ही अमेजिंग ट्रिपल्स पर ट्रिपल्स निकाले बंदे ने, एंड भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा पूरी टीम का। एंड 20 में से 9 बेसिस को निकाल के अब आ चुके मेरे क्वार्टर फाइनल में। अब देखो मेरे भाई बात जो है रह गई है कि यहाँ पे मेरे भाई अभी तो जीत का कुछ पता नहीं है, बट मेरे भाई मैचेस में मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि अभी तो मेरे भाई बहुत ओपी टीम्स बची पड़ी हैं। यहाँ पे जो सबसे एक मेन टीम बची है उसका नाम मेरे भाई TUS, अपनी जो मोमो एंड गोस्ट की टीम है भाई, वो टीम सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें दिक्कत करेगी, क्योंकि भाई उनके सामने कैसे ही बेस लगा तो भाई वो डिफेंड होते नहीं है। तो देखते हैं मेरे भाई जीतते हैं नहीं, बट स्टिल मेरे भाई इतना मैच में मज़ा आ चुका तो इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को फैला देना भाई।